हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में और इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था रूल सिस्टम ऑफ लैंग्वेज, जिसमें हमने पांच तरह के रूल पढ़े थे लैंग्वेज के, जिसमें हमने फोनीम, मॉर्फिम, प्रैग्मैटिक्स भी किया था। जो हमारा फिफ्थ एंड लास्ट रूल था वो था प्रैग्मैटिक्स, जिसमें कहा गया था कि हम वैसी लैंग्वेज को यूज करते हैं जो हमारी डेली लाइफ में यूज होती है और डिपेंड करती है यह कल्चर, सोसाइटी एंड सिचुएशन पर। तो ये तो थी छोटी सी रिवीजन हमारे लास्ट लेक्चर की, ताकि हम आगे का लिंक कर सकें अपनी प्रीवियस क्लास से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। मैं मंजीत कौर और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है हेल्प योरसेल्फ। आज हम करेंगे लैंग्वेज डेवलपमेंट में कुछ ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने लैंग्वेज डेवलपमेंट में काफी काम किया है, उनके काम को काफी सराहाया भी गया है। तो देखते हैं वह चार साइकोलॉजिस्ट कौन है। तो वह चार हैं, देखिए आपके सामने नाम है जीन पियाजे, वेगोत्स्की, चमस्की एंड स्कीनर। तो यह चार ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने लैंग्वेज डेवलपमेंट पे काम किया है और अपने अपने विचार प्रकट किए हैं, अपनी अपनी थ्योरी का बताया है कि क्या होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जीन पियाजे के बारे में। तो जीन पियाजे क्या कहते हैं? जीन पियाजे कहते हैं कि पहले बच्चे में विचार आते हैं और बाद में भाषा आती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि उनका कहना है कि पहले थॉट्स आएंगी, उसके बाद हम लैंग्वेज, उसके बाद लैंग्वेज सीखते हैं, उसके बाद में लैंग्वेज आती है। यानी कि ये दोनों एक साथ नहीं चलती उनके अकॉर्डिंग, पहले विचार आएंगे और फिर लैंग्वेज आएगी, ये कहना है जीन पियाजे का। और वह क्या कहते हैं कि थॉट्स यानी कि विचार ही भाषा का निर्धारण करते हैं, यानी थॉट्स डिटरमाइन लैंग्वेज। तो ये तो कहना है जीन पियाजे का। क्या कहते हैं पहले वे कहते हैं लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट विथ एडेप्टेशन। तो आपको याद होगा कि जब हम जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ रहे थे कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो हमने देखा कि उसमें उन्होंने काफी टर्म्स दिए हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, जैसे एसिमिलेशन, जनरलाइजेशन और डिस्क्रिमिनेशन, एडेप्टेशन। तो इस तरह से उन्होंने एडेप्टेशन के बारे में बात की थी, यानी कि हिन्दी में अनुकूलन के बारे में बात की थी। तो उन्होंने कहा था कि बच्चा अडेप्टेशन से सीखता है। तो ऐसे ही इन्होंने कहा कि लैंग्वेज भी, बच्चे की लैंग्वेज कहाँ स्टार्ट होती है? अडेप्टेशन से स्टार्ट होती है, कि बच्चा अपने एनवायरमेंट से अडेप्टेशन करेगा लैंग्वेज की, वहीं से सीखेगा। फिर इन्होंने एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कही, उन्होंने इगोसेंट्रिक स्पीच के बारे में बताया, और इसे हिंदी में हम कहेंगे अहम केंद्रित वाक। तो इसमें क्या करता है बच्चा? इसमें बच्चा करता है अपने आप से ही बात करता है और वह अपने ओपिनियन को सही मानता है, दूसरे के ओपिनियन की उसे परवाह नहीं होती, दूसरे के ओपिनियन को कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता। ऐसा कहा है जीन पियाजे ने कि बच्चा खुद से ही बात करता है, अपने ही अहम केंद्रित स्पीच उसकी होती है। और यह इगोसेंट्रिक स्पीच होती है, यह कौन से टाइम पे आती है? तो जीन पियाजे की जो सेकेंड स्टेज थी यह उसी टाइम पे आती है, और सेकेंड स्टेज का टाइम पीरियड क्या था? 2 से 7 साल का टाइम। तो आप यह देखेंगे कि इगोसेंट्रिक स्पीच दो की सेकेंड स्टेज पे आती है, तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके देखेंगे कि सेकेंड स्टेज का नाम क्या है और उसमें क्या क्या बताया गया है। वो कैसे देखेंगे? वो आप जाके देखेंगे डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट में, और वहां पे जाके देखेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेज, वहां से आपको इसका स्टेज का नाम पता चल जाएगा और काफी अच्छे से आपको मैच करना, मतलब कि आप लिंक कर पाएंगे और आपको याद रहेगा। तो इगोसेंट्रिक अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे यूजफुल नहीं होती। क्या नहीं होती? यूजफुल नहीं होती। बच्चे का इसमें कुछ भी लाभ नहीं होता, बच्चे को इससे कुछ भी लाभ नहीं होता। यूजफुल यहां पर हम लिखते हैं नो यूजफुल अकॉर्डिंग टू पियाजे, यानी कि पियाजे के अकॉर्डिंग जो इगोसेंट्रिक स्पीच होती है वह बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं होती। बच्चा सिर्फ अपने बारे में ही सोचता रहता, अपने से ही बात करता रहता है और दूसरों के ओपिनियन को सही नहीं मानता, सिर्फ अपने ही ओपिनियन को सही मानता है, इसलिए कहा गया है कि यह यूजफुल नहीं होती। और इसके साथ में हम देखते हैं कि यूजफुल नहीं होते, तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि यूजलेस बातें करता है बच्चा इसमें। कैसे बातें करता है? आपने भी देखा होगा किसी बच्चे को अपने आप से बातें करते हुए, तो वो जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चा अपने आप से यूजफुल बातें नहीं करता, जो भी बातें होती हैं सारी यूजलेस बातें होती हैं। किसने कहा? पियाजे ने कहा।
और वे कहते हैं कि जो भी बच्चे कहते रहते हैं इस स्टेज में वो बातें मीनिंगलेस होती हैं। कौन से स्टेज में? जो इस स्टेज में बच्चे अपने आप से करते हैं वो सारी बातें कैसी होंगी? मीनिंगलेस होती हैं। इस स्टेज में जितनी भी बातें करते हैं, इगोसेंट्रिक स्पीच जिसको हम कहते हैं, वह बच्चा उस स्टेज में जितनी भी बातें करेगा सारी की सारी मीनिंगलेस होंगी, कोई मतलब नहीं निकलता, कोई भी यूज नहीं होता उनका, सारी यूजलेस बातें होती हैं, कोई भी यूजफुल नहीं है। सेकेंड स्टेज में आती है जिसका टाइम पीरियड होता है 2 से 7 साल। इसके साथ साथ जीन पियाजे ने एक बात और कही, उन्होंने कहा कि एक प्ले स्कूल में जो बच्चे जाते हैं तो वहां भी बच्चे अपने आप से बातें कर रहे हैं तो उसे कहते हैं कलेक्टिव मोनोलॉग। कलेक्टिव मोनोलॉग कैसे इसे कहा जाता है? और जीन पियाजे को क्या कहा जाता है? जीन पियाजे को कहा जाता है कॉग्निविस्ट। कहा जाता है किसको? जीन पियाजे को, क्योंकि इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट में भी काफी काम किया है, तो इसे कहा जाता है कॉग्निविस्ट। और क्या कहा मैंने अभी, अगर प्ले स्कूल में बच्चे हैं और अपने आप से बात कर रहे हैं, सभी एक दूसरे से नहीं करें, तो उसको कलेक्टिव मोनोलॉग भी कहा जाता है। फिर बात ये आती है कि ईगो सेंट्रिक स्पीच क्या बड़े होने पर खत्म हो जाती है या क्या होता है इसका? एक तरह से इन्होंने कहा कि जो ईगो सेंट्रिक स्पीच है, जब हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाएंगे वैसे वैसे चेंजेस आते जाएंगे, तो इन्होंने कहा कि ईगो सेंट्रिक जैसे जैसे हम बड़े होने हैं, बड़े होने पर, हम लिख लेते हैं यहाँ पे, बड़े होने पर ईगो सेंट्रिक स्पीच खत्म हो जाती है। फिर इसकी जगह कौन लेता है? फिर बच्चे में क्या आ जाता है, क्या डेवलप होता है? फिर बच्चे में डेवलप होता है सोशल स्पीच। क्या आ जाती है इगोसेंट्रिक की जगह पे? सोशल स्पीच आ जाती है। और सोशल स्पीच में क्या होता है? सोशल स्पीच में होता है कि वह इंटरेक्ट करता है औरों के साथ में, अपने अपने एनवायरमेंट में, अपने आसपास में जो भी रह रहा होता है उनसे बच्चा बातें करता है और अपनी सोशल स्पीच को डेवलप करता है। सोशल स्पीच में क्या कहा है इसके बारे में? सोशल स्पीच में कहा है कि यह रिलेटिवली यूजफुल होती है। यह कहा गया है कि बच्चा इसमें जो भी बातें करता है वह यूजफुल होती है एज कंपेरेटिव टू ईगोसेंट्रिक स्पीच से। तो क्या कहा है, मतलब इन्होंने ज्यादा तो इसे यूजफुल नहीं मानता है, पर कहते हैं कि रिलेटिवली यूजफुल होती है। और इसमें बच्चा इंटरेक्ट करता है औरों के साथ में। और ईगोसेंट्रिक स्पीच में क्या करता है? ईगोसेंट्रिक स्पीच में इग्नोर होता है, यानी कि इसमें अहम ज्यादा होता है। और इनकी यह मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पहले थिंकिंग आती है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि यह किसने कहा कि पहले थिंकिंग आती है फिर लैंग्वेज आती है, दोनों का प्रोसेस अलग अलग है, टाइमिंग अलग अलग है, तो इसका आंसर आएगा जीन पियाजे। जीन पियाजे ने कहा है कि पहले, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, वैसे तो मैंने पहले बता दिया था कि क्या पहले आता है, तो हम यहाँ पे लिख लेते ताकि हमें याद रहे। पहले थॉट्स या थिंकिंग हम कह सकते हैं, थिंकिंग आती है और फिर क्या आता है? फिर लैंग्वेज आती है। तो यह तो था हमारा जीन पियाजे के बारे में कि उन्होंने क्या क्या कहा है। अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट साइकोलॉजिस्ट के बारे में, जो है वैगोत्स्की। तो चलिए हेडिंग डाल लेते हैं हम कि अब हम पढ़ने वाले हैं, यहां पे हम लिख लेते हैं वैगोत्स्की। किसके बारे में हम पढ़ेंगे? वैगोत्स्की। तो वैगोत्स्की क्या कहते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में? ये कहते हैं कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो वह अपने एनवायरमेंट और दूसरों के साथ इंटरेक्ट करके सीखते हैं। कोई भी चीज हो, कोई भी लर्निंग हो, तो बच्चे कैसे सीखते हैं? बच्चे इंटरेक्ट करके अपने बड़ों से, अपने पड़ोस से, सोशल से, यानी कि उन्होंने सोशल इंटरेक्शन के ऊपर ज्यादा फोकस किया था। और वैगोत्स्की की थ्योरी में हमने पढ़ा था कि उन्होंने सोशल इंटरेक्शन के ऊपर ज्यादा जोर दिया है। वे मानते हैं कि कोई भी लर्निंग हो, किसी भी तरह की लर्निंग हो, बच्चे तभी ज्यादा सीखते हैं जब वह औरों से इंटरेक्शन करेंगे, औरों से बातें करेंगे, औरों के बिहेवियर को देखेंगे, तब वह कोई भी लर्निंग अच्छे से सीख जाते हैं। तो इन्होंने किस चीज पे फोकस किया है? लैंग्वेज एक्वायर्ड थ्रू, ये कहते हैं अकॉर्डिंग टू वैगोत्स्की या अकॉर्डिंग टू हिम, लैंग्वेज
लैंग्वेज एक्वायर्ड, लैंग्वेज एक्वायर्ड यहां पे लिख लेते हैं थ्रू थ्रू सोशल इंट्रैक्शन, लैंग्वेज एक्वायर्ड थ्रू सोशल इंट्रैक्शन। तो ये किसने कहा, ये कहा था हमारे वेगोत्स्की ने, और वेगोत्स्की की थ्योरी में हमने पढ़ा भी था कि इनका सारा ही फोकस अपनी थ्योरी में था कि सोशल इंट्रैक्शन बच्चे को कैसे करवाया जाए, कैसी उसको सिचुएशन दी जाए और कैसे बच्चा सीखता है, जिसके बारे में हमने स्कैफोल्डिंग और ZPD के बारे में पढ़ा था। तो ये सब इन्हीं के बारे में थी। तो देखिए वेगोत्स्की क्या कहते हैं कि सोशल इंट्रैक्शन बहुत जरूरी है, तो इसीलिए इनको कहा जाता है, एक नाम दिया गया इनको इंट्रैक्शनिस्ट, इसलिए इनको ये नाम दिया गया। क्यों नाम दिया गया, क्योंकि इनको सोशल इंट्रैक्शन कहा गया है, तो इसलिए इंट्रैक्शनिस्ट कहा गया इनको। तो इनका एम्फेसिस था, एम्फेसाइज द रोल ऑफ कम्युनिटी एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी कि उन्होंने कहा कि कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा रोल होता है बच्चे को लैंग्वेज सिखाने में। क्यों होता है, क्योंकि सोशल इंट्रैक्शन बच्चे का कैसे होगा, कम्युनिटी से होगा, अपने आस पड़ोस से होगा, अपने रहने आसपास जो रहते हैं उनकी सोसाइटी में उनसे होगा। तो इसी के आधार पर उन्होंने कहा कि बच्चा जो भी सीखता है अपनी सोशल लाइफ से सीखता है, अपनी सोसाइटी से सीखता है, औरों के साथ में इंट्रैक्शन करने से सीखता है। तो यह तो था इनका मेन जो पॉइंट था। फिर इन्होंने एक तरह का किया, जैसे कि हमारे जीन पियाजे ने कहा था कि पहले थिंकिंग आती है फिर आती है लैंग्वेज, इन्होंने कहा कि पहले जो लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज लैंग्वेज एंड लैंग्वेज एंड थिंकिंग, या फिर हम थॉट्स भी कह सकते हैं, दोनों साथ साथ होती हैं, यानी कि दोनों साथ साथ होती हैं, दोनों स्वतंत्र हैं, कोई भी एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है और दोनों ही साथ साथ होती हैं, कि कोई भी आगे पीछे नहीं होती, साथ साथ होती हैं और दोनों ही स्वतंत्र हैं, यानी कि इंडिपेंडेंट हैं। दोनों का डेवलपमेंट जो होता है वह अपने आप में अलग अलग होता है, स्वतंत्र हैं यानी कि इंडिपेंडेंट हैं, और एक दूसरे से इनका कोई ऐसा नहीं है कि पहले वो आएगा लैंग्वेज आएगी या पहले थॉट्स आएंगे। तो ये किसने कहा, ये हमारे कहा वेगोत्स्की ने। अब जैसे कि जीन पियाजे ने बात की थी ईगो सेंट्रिक स्पीच की, वैसे ही वेगोत्स्की बात करते हैं प्राइवेट स्पीच की, जिसके ऊपर काफी क्वेश्चन आते हैं। तो हम जानते हैं कि प्राइवेट स्पीच क्या होती है। तो इसी तरह से इन्होंने, वैसे तो तीन स्पीच दी, हम तीनों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन मेन फोकस रहता है इनका हमेशा प्राइवेट स्पीच के बारे में। तो इन्होंने, हम देखेंगे यहां पे थ्री टाइप्स ऑफ स्पीच, तीन तरह की स्पीच के बारे में इन्होंने कहा है, जिसमें हम कह सकते हैं तीन टाइप की वाक या भाषण, भाषण या वाक कितने तरह का, तीन तरह का। तो कौन कौन सी है वे तीन, वे तीन हम यहां देखते हैं। वन, पहला तो उन्होंने कहा सोशल स्पीच। अब सोशल स्पीच हमारे जीन पियाजे ने भी दी थी, यानी कि सामाजिक भाषण या सामाजिक वाक। तो यह क्या होता है, यह शुरू हो जाती है बर्थ टू थ्री ईयर तक यह रहती है, और इसमें कहा कि बच्चा दूसरों के साथ जुड़ता है, दूसरों के लिए ही इंटरेक्ट करता है, दूसरों के साथ में रहता है, संबंध बनाने के लिए, संचार के लिए सोशल स्पीच का यूज करता है, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड होता है बच्चा औरों से ही सीखता है, औरों को देखकर सीखता है। तो ऐसे में यह स्पीच वह किस लिए होती है यूज, वह स्पीच बच्चा यूज करता है औरों के साथ में अच्छे रिलेशन बनाने के लिए, दूसरों के साथ में जुड़ने के लिए, और अपनी भाषा को, अपनी लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए, औरों से सीखने के लिए, ये होता है पर्पस उसका सोशल स्पीच से। फिर इसके बाद में सेकंड स्टेज आती है, या सेकंड जो लैंग्वेज या स्पीच के बारे में बात की है, वह है प्राइवेट स्पीच। तो इसमें क्या कहा है, प्राइवेट स्पीच यानी कि निजी वाक या भाषण यानी कि प्राइवेट स्पीच, यह कब शुरू होती है, यह होती है 3 to 7 ईयर तक इसे माना जाता है। इसमें क्या करता है, इसमें बच्चा वही करता है जो करता है जीन पियाजे की इगोसेंट्रिक स्पीच में। अब इनमें फर्क क्या है, इसमें भी बच्चा खुद से बात कर रहा है, खुद से बातें करता है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या हो गया। इन दोनों में मोटा डिफरेंस ये है कि जीन पियाजे ने तो इस
स्पीच को बिल्कुल ही यूजलेस माना था, लेकिन वेगोत्स्की क्या कहते हैं, यह बच्चे के डेवलपमेंट के लिए मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वह कहते हैं बच्चे के लिए यह बहुत ही यूजफुल है, बच्चा जो भी बातें करता है वह खुद से करता है, और खुद से बातें वह क्यों करता है, वह बच्चा बातें करता है खुद से अपने लक्ष्य के लिए, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, और अपने आप को गाइड करने के लिए बच्चा खुद से बातें करता है। तो क्यों बातें करता है? सबसे पहली बात तो इन्होंने प्राइवेट स्पीच को बहुत ही यूजफुल माना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट माना है, और बच्चा प्राइवेट स्पीच का यूज करता है। पहले तो हम लिखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट माना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहां पे हम लिख लेते हैं, क्योंकि बच्चा प्राइवेट स्पीच का यूज करता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्यूशन सॉल्व के लिए, सॉल्व करने में, और खुद को गाइड करने के लिए, और गाइड करने के लिए, और खुद को क्या देने के लिए, खुद को वह इंस्ट्रक्शन देता है प्राइवेट स्पीच के द्वारा। क्या करता है? सेल्फ इंट्रैक्शन या सेल्फ डायरेक्टर भी, सेल्फ डायरेक्शन या सेल्फ डायरेक्टेड होता है बच्चा इस स्पीच से। और यह स्पीच क्या होती है बच्चे की? गोल ओरिएंटेड होती है, जिसमें बच्चा अपने आप को प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देता है इस स्पीच से। और दूसरा, इसमें बच्चा क्या करता है, बच्चा अपने आप को गोल तक पहुंचने के लिए हेल्प करता है, प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करता है, सेल्फ डायरेक्ट करता है। कहा उन्होंने कि जो प्राइवेट स्पीच है बच्चे के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बच्चे की प्राइवेट स्पीच पर ध्यान देना चाहिए, हमें सुनना चाहिए उसकी प्राइवेट स्पीच को कि बच्चा क्या कर रहा है। तो यह थी हमारी प्राइवेट स्पीच। इसके बाद में उन्होंने कहा कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बच्चे की यह प्राइवेट स्पीच बदल जाती है या डेवलप हो जाती है, किस रूप में चली जाती है, या फिर तीसरे नंबर पर हम देखेंगे इनर स्पीच, इसे इनर स्पीच भी कहा जाता है, और इसे एक नाम दिया गया है साइलेंट स्पीच, यानी कि मौन या फिर आंतरिक वाक या भाषण। अब इसमें क्या होता है, पहले बच्चा क्या करता था, पहले बच्चा करता था बोल बोलकर खुद को गोल तक लेके जाता था, प्रॉब्लम सोल्व करता था, मतलब बोल बोल के करता था सब जो हमें सुनाई देता था। अब क्या करते हैं, बच्चा बड़ा हो गया है जैसे हम हैं, हम भी खुद से बातें करते हैं, लेकिन हम कैसे बात करते हैं, मन ही मन में, बाहर आवाज सुनाई नहीं देती। तो क्या कहा गया, यह है यूजफुल है किसके लिए, सॉल्यूशन प्रॉब्लम के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। क्योंकि हम भी तो देखिए, कभी बार हम किसी प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं तो मन ही मन में हम सोचते रहते हैं, उसका सॉल्यूशन ढूंढते रहते हैं मन ही मन में, हम बच्चों की तरह बोल बोल को तो नहीं करते ना। तो ठीक वैसे ही कहा गया कि साइलेंट स्पीच या इनर स्पीच में क्या करता है, बच्चे मन में ही बातें करते हैं और सेल्फ डायरेक्ट करते हैं खुद को, सेल्फ डायरेक्ट करते हैं, हेल्प करते हैं खुद की, हेल्प करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग में। तो ठीक वैसे ही जैसे प्राइवेट स्पीच में हम बोल बोल के कर रहे थे, वही सारा काम हम बड़े होने पर इनर स्पीच यानी कि साइलेंट स्पीच में करते हैं। और अकॉर्डिंग टू वेगोत्स्की यह दोनों ही स्टेज जो हैं, या दोनों स्पीच क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दोनों ही यूजफुल है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे यूजफुल कौन सी है? प्राइवेट स्पीच। और इन्होंने कहा है बच्चे की प्राइवेट स्पीच को बढ़ावा दिया है। और इसके साथ साथ जैसे हमने बात की थी कि लैंग्वेज और थॉट्स यानी कि थिंकिंग एंड लैंग्वेज दोनों साथ साथ चलती हैं बर्थ के समय, दोनों बिल्कुल ही, जैसे जीन पियाजे ने कहा था कि लैंग्वेज पहले आती है हमारी थिंकिंग, फिर आती है लैंग्वेज। लेकिन वेगोत्स्की क्या कहते हैं, वेगोत्स्की कहते हैं कि लैंग्वेज और थॉट्स यानी कि थिंकिंग प्रोसेस जो हमारा होता है दोनों अलग अलग हैं,
दोनों ही एक दूसरे से स्वतंत्र थे, कोई भी आगे पीछे नहीं होता, दोनों साथ साथ में चलती हैं और इनका डेवलपमेंट साथ साथ में चलता है। तो यह तो हमने पढ़ा है दो साइकोलॉजिस्ट के बारे में जिन्होंने डेवलपमेंट यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट पर काफी कुछ कहा है जो हमने अभी भी पढ़ा है। अब हम देख लेते हैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जो हम यहीं पर ही देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी जगह है तो बिल्कुल छोटी सी ही बात है तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। कभी पूछ लिया जाता है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट के कितने कौशल होते हैं, लैंग्वेज के सब स्किल, हम यहाँ पे लिख लेते हैं सब स्किल्स ऑफ लैंग्वेज, सब स्किल्स ऑफ लैंग्वेज, और इसे हिंदी में हम कहेंगे उपकौशल, किसके, भाषा के उपकौशल। तो इन उपकौशल में चार कौशल आते हैं जो इनके द्वारा हम लैंग्वेज सीखते हैं। पहला एल एस आर डब्ल्यू, ये आपको हमेशा याद रहना है और इनका सीक्वेंस भी यही होता है बच्चे को लैंग्वेज सिखाने का। एल से बनता है लिसनिंग, एल से बनता है लिसनिंग, और एस से बनता है स्पीकिंग, आर से बनता है रीडिंग, और डब्ल्यू से बनता है राइटिंग। तो यह तो थी इनकी फुल फॉर्म कि बच्चे को जब हम लैंग्वेज सिखाते हैं तो हम क्या करते हैं, तो पहले हम बच्चे को लिसनिंग यानी कि सुनना, बच्चे को सुनाते हैं, पहले बच्चा सुनेगा किसी को बोलते हुए, फिर बच्चा उसकी तरह ही बोलने की कोशिश करेगा यानी कि सेकंड स्टेज पे, सेकंड स्किल में क्या करेगा बच्चा, बोलेगा। फिर बच्चे को हम सिखाते हैं रीडिंग यानी कि उसको पढ़ना सिखाएंगे, और फिर हम सिखाते हैं बच्चे को लिखना। तो कहा जाए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इन चारों कौशल में सबसे इजी क्या होता है, तो सबसे इजी होता है लिसनिंग यानी कि किस रहे हैं, तो इसमें आपका ज्यादा एफर्ट नहीं लग रहा है, तो सबसे इजी कौन सा कौशल हो गया हमारा, लिसनिंग, और सबसे टफ कौन सा हो गया, सबसे टफ हो गया राइटिंग। यह सबसे टफ, सबसे डिफिकल्ट होता है बच्चे के लिए। तो यह तो हो गया कौन सा इजी होता है कौन सा डिफिकल्ट होता है। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि इन चारों में कौन से रिसेप्टिव स्किल हैं और कौन से प्रोडक्टिव स्किल हैं। यह क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है तो इसलिए मैं इसको बता रही हूं यहां पर। तो कौन कौन से, एल एंड आर, ये वाले दोनों यानी कि लिसनिंग और रीडिंग दोनों क्या है, रिसेप्टिव, क्या है, रिसेप्टिव स्किल्स, और हिंदी में हम इसको कहेंगे ग्रहणशील कौशल। कैसे, क्योंकि रिसेप्टिव यानी कि ग्रहण करना, सीधा ही हमें पता चल रहा है कि हम कुछ ना कुछ रिसीव कर रहे हैं, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, हम किसी को कुछ दे नहीं रहे, हम कुछ ना कुछ पा रहे हैं, कुछ ना कुछ ग्रहण कर रहे हैं। लिसनिंग में क्या होता है, हम किसी को सुन रहे हैं यानी कि उसकी लैंग्वेज को हम समझ रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, हमारे पास आ रही है, कुछ जा नहीं रहा, कुछ आ रहा है। और रीडिंग में क्या होता है कि हम पढ़ रहे हैं, पढ़ने से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है, हमारे अंदर कुछ नॉलेज आ रही है, तो ऐसे हम याद रख सकते हैं। रिसेप्टिव क्या होता है, जिनसे हमें कुछ मिल रहा है, हमें कोई कुछ बता रहा है, इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है, तो इससे हम याद कर सकते हैं कि ये दोनों होते हैं रिसेप्टिव स्किल। फिर आता है दोनों जो बच गए हमारे, स्पीकिंग एंड राइटिंग, ये दोनों ऐसे स्किल हैं जिन्हें कहा जाता है प्रोडक्टिव स्किल, और हिंदी में हम इसे क्या कहेंगे, हिंदी में हम इसे कहेंगे उत्पादक कौशल। क्या कहेंगे, उत्पादक कौशल। यहां पे मैं लिख ली भी देती हूं क्योंकि यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, उत्पादक कौशल। कैसे, क्योंकि हमें उत्पादक क्या होता है यानी कि किसी ने किसी चीज का हम उत्पन्न कर रहे हैं, किसी भी चीज को हम क्रिएट कर रहे हैं, तो स्पीकिंग से जो भी आपके भाव हैं, जो भी आपके विचार हैं, स्पीकिंग से आप अपने भाव को दूसरों के पास पहुंचा सकते हैं, दूसरे को बता सकते हैं, यानी कि कुछ क्रिएटिव यूज किया है आपने, कुछ क्रिएट किया है, लैंग्वेज को क्रिएट किया है, बोला है आपने, तो कुछ ना कुछ उत्पन्न हुआ है, तभी ने आप बोला है ना, कि क्योंकि आपने उत्पन्न हुआ है, कुछ ना कुछ आपने क्रिएट किया है तभी आपने बोला है। और राइटिंग, कुछ हम लिखते हैं, जैसे हम ड्राइंग बनाते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ हम बना रहे हैं, कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे हैं, उत्पन्न कर रहे हैं, तो उससे हम याद कर सकते हैं कि यह दोनों हैं उत्पादक कौशल यानी कि प्रोडक्टिव स्किल। तो ये तो था कि हमारा लैंग्वेज स्किल यानी कि लैंग्वेज को सिखाने के लिए चार सब स्किल्स का यूज होता है, वे कौन से हैं,
वे हैं हमारे। पहले तो क्वेश्चन यही बनता है कि सब स्किल कितने होते हैं लैंग्वेज के सीखने के, तो वो होते हैं बेसिकली चार। पहले आता है लिसनिंग, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग एंड देन राइटिंग। और सबसे इजी कौन सा होगा? सबसे इजी होगा लिसनिंग। हम ऐसे याद कर लेंगे कि लिसनिंग हम कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमारे कानों का ही यूज हो रहा है, तो ये हो गया हमारा लिसनिंग सबसे इजी। फिर सबसे डिफिकल्ट क्या है? सबसे डिफिकल्ट है राइटिंग। कैसे? राइटिंग करते वक्त हम सोच सोच के लिखते हैं, हमारे मांसपेशियों का भी यूज हो रहा है क्योंकि हम हाथ चला रहे हैं, हमारे दिमाग का भी यूज हो रहा है, और अगर हम सुनकर लिख रहे हैं तो हमारे कानों का भी यूज हो रहा है। तो यहां पर यानी कि काफी चीजों का यूज हो गया है मिक्स, तो ऐसे हम याद कर सकते हैं, ये सबसे डिफिकल्ट होता है। फिर क्वेश्चन आ गया कि एल आर दोनों ही रिसेप्टिव स्किल होते हैं, यानी कि ग्रहणशील, और फिर प्रोडक्टिव स्किल वो होते हैं स्पीकिंग एंड राइटिंग। और यह कहा जाता है अगर आपकी लिसनिंग गलत हुई है तो स्पीकिंग भी गलत होगी। कैसे? जैसा सुनोगे वैसा ही तो बोलोगे, तो इसलिए अगर बच्चे को पढ़ाया जाए तो यह बहुत जरूरी है जो भी आप कुछ बोल रहे हो वह सही हो। यानी कि जो बच्चे की जो अर्ली स्टेज होती है जिसपे काफी फोकस किया गया है कि बच्चे अगर कुछ सिखाना है तो अर्ली स्टेज में सिखाओ, वहां पर अगर आपकी लिसनिंग, बच्चे की लिसनिंग खराब हुई तो बच्चा बोलेगा भी खराब ही। तो इसलिए कहा गया है कि लिसनिंग सही होनी चाहिए बच्चे की, तभी बच्चे की स्पीकिंग अच्छी होगी। यानी कि लिसनिंग गलत हुई तो स्पीकिंग भी गलत हुई, क्योंकि हम जैसा सुनेंगे वैसा ही बोलेंगे। अगर हमने गलत सुना है तो हम गलत ही बोलेंगे, तो इसलिए कहा गया है कि लिसनिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए। तो ये तो थी हमारी आज की क्लास, रहे दो साइकोलॉजिस्ट जिनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर, बने रहिए अपने इस चैनल पर जिसका नाम है हेल्प योरसेल्फ।